कांग्रेस के छात्र विंग NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा आज प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के पास भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विरोध किया। संगठन के अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि UGC द्वारा परीक्षा लेने की घोषणा जो की गई है वह गलत फैसला है। कोरोना महामारी से जिस तरह भारत ग्रसित है और बिहार में जिस तरह से यह बीमारी और फैल रही है, इसके विरोध में सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार समस्या को देखते हुए आंख बंद कर यह फैसला कर रही है, इसलिए भैंस रूपी सरकार के सामने बीन बजाकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हमारा देश पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ गया कोरोना में, तो हम छात्र हैं और बिहार और इस देश के छात्र बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जब संसद बंद हो सकता है, सारे तरह के चीजों को रोका जा सकता है, तो फिर एग्जाम लेने का क्यों नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। UGC के द्वारा एक निर्णय होता है कि सितंबर लास्ट में एग्जाम लेंगे, तो ये छात्र हित में कहीं से नहीं। जहां हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का, अगर एक छात्र को कोरोना हो जाता है एग्जाम पीरियड में, तो उससे सारे छात्र प्रभावित होंगे। कौन कौन से एग्जाम होने को लेकर ये एग्जाम होने को लेकर के सरकार से हमारी ये मांग है कि छात्रों को अगले क्लास में प्रमोट किया जाए। अगर महाराष्ट्र कर सकता है, मध्य प्रदेश कर सकता है, राजस्थान कर सकता है, छत्तीसगढ़ कर सकता है, तो बिहार क्यों नहीं कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री को यह ध्यान देना चाहिए कि छात्र इस बिहार के भविष्य हैं और छात्र के हित में पहल करते हुए सभी छात्रों को अगले वर्ग में प्रमोट करना। ब्यूरो रिपोर्ट SDF न्यूज पटना।